से इस तरह से बातें क्यों नहीं करते जिस तरह से हम उसके बंदों से करते हैं, बेबस होकर, टूट कर, धोखे खाकर। और जब से मैंने खुदा से बातें करना शुरू की हैं, किसी और से बातें करने का मन ही नहीं करता। मैंने अल्लाह से कहा, मैं बहुत परेशान हूं या अल्लाह। दिल की गहराइयों से आवाज आई, फानी दुनिया के पीछे क्यों भागे थे? मैंने अल्लाह को बताया, मैं गमगीन हूं या अल्लाह। दिल फिर से बोल उठा, किसने कहा था कि खाक के पुतले से उम्मीद लगाओ? मैंने फिर आंसू भरी निगाह से अल्लाह को कहा, मुझे वाकई बहुत दर्द है या अल्लाह। दिल फिर चीख पड़ा, जब मकसद हयात से हटोगे दर्द ही पाओगे। मैंने अल्लाह से फिर कहा, या अल्लाह यूं बार बार का टूटना बर्दाश्त नहीं होता। दिल फिर बोल पड़ा, इतने बेवकूफ हो तुम, जितनी बार टूट कर बिखरोगे उतनी ही बार मजबूती से उठोगे और जुड़ जाओगे। मैंने फिर अल्लाह से कहा, या अल्लाह मुझे लोगों के बुरे रवैये मत दिखा, मुझे तकलीफ होती है, मुझ पर इन हकीकतों को आया ना कर, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। दिल फिर से बोल पड़ा, हकीकतें तुम पर आया ना हो तो कैसे तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह से ज्यादा ना तुम्हारा कोई खैर ख्वाह है और ना तुमसे कोई मोहब्बत करता है। मैंने फिर कहा, या अल्लाह मैं बहुत तन्हा पड़ गया हूं, तेरी दुनिया में हर कोई एक जैसा है। दिल बेसाख्ता फिर बोल उठा, तुम कब तन्हा हो? हर चीज का खालिक तुम्हारे साथ है, तेरी शहरक से भी ज्यादा करीब है, तो आइंदा हरगिज मत कहना कि तुम तन्हा हो। तुम तन्हा कभी नहीं थे, ना तुम तन्हा हो और ना तुम तन्हा किए जाओगे। बस ये सुना और फिर ऐसा लगा जैसे सारे मसले सुलझ गए।